मोस्टली वी आर गोइंग, हम केबल कार में जा रहे हैं जिसको इधर बोलते हैं गंडोला। हम लोग तो अभी शायद वहाँ ऊपर टॉप पे वो फोर्ट है तो शायद वहाँ नहीं जा पाएंगे, बहुत लंबा चल के जाना पड़ेगा और बहुत लेट भी हो गया। तो हम यहाँ से भी देखेंगे। तो भाई साहब व्यू देख लो पूरे सिटी का, दिस फुल श्रीनगर सिटी। सो गाइस आफ्टर गोइंग ऑन हाइकिंग टू क्या नाम था, हरी पर्वत अकबर जी का जो फोर्ट है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा हाइकिंग किया था, स्नो हाइकिंग, बहुत मज़ा और ऐसा व्यू देखने मिला। अब उसके बाद हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट होपफुली, जहाँ पे बहुत मज़ा आएगा ना अंकल जी, बहुत मज़ा। ठीक है चलो, कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिलेगा। जो निगी लेक में हाउस बोट करके एक जगह बनाई हुई है कॉटेज जैसा, जहाँ पे हम आज का स्टे रहने वाले हैं और कल हम मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो चलो फिर जाते हुए रेस्ट करते हैं, मिलता आपको बाद में। अंकल जी। जी सर। वो भी आंटी जी आपको देखते हुए जा रहे थे। कौन? होम मिनिस्टर से मार पड़ेगी। अंकल जी। होम मिनिस्टर से मार पड़ेगी। नहीं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? होम मिनिस्टर। बहुत खतरनाक है आप। अंकल आप खतरनाक है। अरे नहीं। स्मार्टी अंकल है, फुल स्मार्टी। स्मार्टी कश्मीर के स्मार्टी अंकल। अरे क्या बात है यार, क्या बात है। शुक्रिया। सो गाइज बिफोर गोइंग टू हाउस बोट वी थॉट, और अंकल भी बोले कि कहीं कुछ और घूमना आएगा, तो हमने बोला कि यार कश्मीर आए हैं और दरगाह ना जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दरगाह आए हैं। सो अदनान, यस, हम पहली बार दरगाह जा रहे हैं, इधर आओ, तुम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और पहली बार तो मैं भी कश्मीर में दरगाह में जा रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है हम तेरे साथ फर्स्ट टाइम दरगाह आ रहे? चलो मैं भी एक्साइटेड हुआ ना। सुन अदनान, यहाँ पे एक बार हम लोग को ना प्रॉपर बता कैसे क्या, हम लोग को पकड़ के मार के बाहर नहीं, कोई नहीं मारेगा, ठीक है, नहीं मारेगा। सो गाइज, ये जो दरगाह है, हम लोग इसके अंदर गए तो अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी। बशीर भाई भी बताएंगे कि अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके दाढ़ी का एक हेयर है पूरा, तो उसकी ज़ियारत सिर्फ 3 बार होती है ना साल में। जी, साल में 3 बार के साल में 3 बार होती है, और लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं। और लाइक सीरियसली ग्रेटफुल हूँ कि मैं कश्मीर आने के बाद भी ये सब जगह देख पा रहा हूँ, थैंक्स टू बशीर भाई। सही में बहुत बहुत मज़ा आया यार यहाँ पे, मतलब एकदम सुकून लेके मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस। तो मेरी बैटरी मेरी कैमरे की बैटरी वापस ही गई, और हम लोग ये मस्जिद से आए, पीछे सामने है डल लेक, फ्रीज फ्रोजन, और ये देखो लाइफ। चलो यार हाउस बोट जाते हैं, अभी बहुत हो गया। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं हाउस बोट, और आज हम यहाँ रुकेंगे डल लेक में। जो हाउस बोट मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, वो आज हम वहाँ पे रुकने वाले, रात भर हमारा लास्ट यहीं है, तो लेट्स डू इट, वन मिस कश्मीर सो 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 मच। क्या सरियल लग रहा है सब कुछ। सही में यार,
जेल वाला सैनिटाइजर है। और टाइम बाद सैनिटाइज हो गए, छू चुके हैं पूरे, इन्होंने जबरदस्ती कर रहा है, हमें नहीं करना था फिर भी कर रहा है। नहीं नहीं, ये प्यार है। प्यार है, अच्छा। और ये क्या है? ये कुकीज। मैंने इसको च्युइंगम के साथ मिक्स कर दिया। Hey guys, good morning. So this is our full and final day of Kashmir and we are leaving. हमारा पूरा सामान पैक हो चुका है and Adnan is also ready. We are ready. नाश्ता हो चुका है, अब हम निकल रहे हैं। The best stay ever. ये house boat का best stay था। रात में आपको अच्छे से व्यू नहीं दिखा रहेगा जो मैंने दिखाया, तो अब भी आपको दिखाता हूँ मैं। See. खत्म ही नहीं होता ये तो। यार लग रही है मुझे। और एक भाई साहब गिर गए छत पे से सीधा पानी में। कैसा? 5-10 मिनट अभी सही लग रहा है, थोड़ा सही लग रहा है। हाँ, एक है, एक है। नहीं नहीं, मुझसे बात करो। सही तो लग रहा है यार, मेरा पिछवाड़ा सूज गया। दिखाओ। क्या दिखाओ? पिछवाड़ा दिखाओ। दिखाने की प्राइवेट चीज होती है। दिस वॉज द डाइनिंग एरिया जो रात में था ये। ओके, and this is the living room, that is hall. भाई साहब इतना मजा आया है ना ये जगह, और सबसे best, oh see this, यहाँ से यहाँ घुसेंगे, यहाँ बैठेंगे और सामने पूरा river का पूरा view. आज भी गाना गाओगे कि नहीं सर? और ये सर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, इनका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। अरे ये गाते अच्छा है। आरके भाई और तो बस निकल रहे हम। नहीं बैठो, तुम्हें भी गोद ले लूंगा। बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। आई लव यू, आई मिस यू सो मच। चलो फिर जाते हैं, ठीक है। आ चुके हैं वापस अपने शिकारा राइड पे। सुबह सुबह कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग है। ये बशीर अंकल का लड़का है। हेलो, क्या बोलता बच्चा जी? हाय, व्हाट्स अप? हेलो हेलो हेलो, कहाँ से आप लोग? कश्मीर से? अमेरिका से। वो परसों भी आई थी ना, जो बैनर वगैरह लगे थे आपके प्रोडक्ट ना, उसने कैलीग्राफी बनाई थी आपके लिए। कितना प्यारा है ये। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उनका? नाहिश। थैंक यू सो मच नाहिश फॉर दिस, लव यू। सो गाइस, ट्रिप मोर का मालिक ये रहा अली। थैंक यू सो मच। आपको आना है कश्मीर तो ट्रिप मोर के थ्रू आओ। यो मैन तो बेफिक्र होके आ जाइए, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सो बेफिक्र होके आ जाइए एंड डोंट फील टेंस्ड अबाउट द सिचुएशन एंड एनीथिंग लाइक दैट। व्हेन यू कम डाउन हियर यू विल फील द मोस्ट वार्म पीपल हियर एंड द ब्यूटी विल टेक योर हार्ट ऑल द वे। They have traveled to Gulmarg, Pahalgam, they missed Sonmarg, but they still enjoy Srinagar and they had a really fantastic time. So to the, all the people out there, just come down here and it will be worth your money and the time. Yeah. I love you a lot, I love you. Kya bol rahe Bashir Uncle? Mera bacha. Okay, all the time he was used to tell them, mera bacha. Now they are more like a bacha to him. So anyways, enjoy all the beautiful audience there. Come and visit Kashmir. Bashir Bhai is here to take care of you. And Vishal Bhai is a guarantee. Bye. Ali Bhai. Bye-bye, I love you, man. Bye, I love you. So, हम लोग आ चुके हैं कार में, वी आर ऑन वे टू एयरपोर्ट। देखो बशीर अंकल मेरे साथ वॉल्यूम पर रखा हुआ है। ये बड़ा फैन बन गया यार, क्या बात कर रहा है यार। बड़ा आएंगे ना बशीर अंकल? अरे कैसा, मैं जून में इंतजार कर रहा हूँ। और दूसरी बात, एक चीज है, आई मतलब आप हर हमेशा बिजी रहते हैं मगर फोन कभी कभी उठाना मेहरबानी। आपका फोन तो हमेशा उठाऊंगा। हाँ जी जी जी, और कभी भी जरूरत कुछ पड़े। सॉरी कर। हाँ, अरे क्या सिम कार्ड भी ले लो, मोबाइल भी ले लो यार, क्या कर रहे हैं आप मोबाइल? कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार आपको जाने का। मतलब कितने 100,000 टूरिस्ट आया, लाखों टूरिस्ट आया, ऑल द वर्ल्ड का टूरिस्ट को घुमाया मैंने।
पूरे मुझे लग रहा पूरा वर्ल्ड का, मगर आज अजीब सा फील हो रहा है यार, कुछ मेरे से छीन रहा, कुछ कम हो रहा, कुछ महसूस हो रहा। चलो इंशाल्लाह जून जुलाई में हम भी वेट कर रहे हैं आपको, इंशाल्लाह जून जुलाई में आपका बड़ा इंतजार करूंगा। तो बशीर अंकल और मैं जा रहे हैं क्योंकि मुझे दादी, मेरी चाची, मम्मी लोग के लिए शॉल वॉल लेना है, तो हम थोड़ी शॉपिंग करने जा रहे हैं यहाँ से। चले अंकल? चलिए सर। अगर आप कहीं बाहर आओ और फैमिली आपको कुछ लाने के लिए ना बोले तो कैसी कैसी फैमिली? अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। चलो मैं अभी सिलेक्ट करके निकलता हूँ फटाफट, मैं ऑलरेडी वेरी बहुत ज़्यादा लेट हो गया एयरपोर्ट के लिए, तो फटाफट से लेता हूँ और निकलता हूँ। सो हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, हम सामान रख रहे हैं, बशीर अंकल को भी बाय बोलना है। इसको ऐसे ऐसे सर्दी से हो रहा है यार, जैकेट पहनो यार बच्चा। यह हमारा बड़ा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो हम इसको बड़ा बच्चा बोल रहा था, ठीक है? माफ करना यार, नहीं मिलेंगे आगे आप। मिलेंगे अपन फिर से इंशाल्लाह, जरूर जरूर जल्दी आएंगे। ये फोटो मुझे जरूर भेजना है, ये उस पर रखना है, पक्का पक्का। सर्दी से ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ। ये बात का बुरा ना लगे। अरे बच्चा ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, क्या शादा है, शादा है। सो गाइस, बशीर अंकल ने हमको सी ऑफ कर दिया और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में, मेरी बैटरी डेड होने वाली है। हाँ जी इधर, ओके। तो मेरी बैटरी डेड होने वाली है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा बंदर का, तो मैं आप लोग को डायरेक्टली घर पे जाके मिलूँगा। अब फ्लाइट का सफ़र तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बैटरी प्रॉब्लम। सो बाय गाइस, कश्मीर ट्रिप हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग ट्रिप ऑफ माई लाइफ। मतलब इतना मज़ा आया मेरे को यहाँ पे। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, जैसा आपने देखा कि मैं कल कश्मीर से और आज के आदमी को गोवा के लिए निकलना पड़ रहा है, तो डैड मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं। हाय डैडा। हाय। तो हम लोग एक्चुअली हमारे फ्लैट के काम से आए थे, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के भी आप लोग को बताया था। तो और बहुत जल्द मैं फ्लैट का, अपने एक नए फ्लैट का एक बहुत अच्छा व्लॉग बना के डालूंगा, सो उसका भी वेट करो। फिलहाल के लिए हम जाते हैं एयरपोर्ट, डैडी एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि वरना मेरी फ्लाइट ना छूट जाए। मिलता हूँ आप लोग को बाद में। बाय।